पार्टनरशिप में टर्म वन में हम क्या क्या कर चुके हैं, फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन। अब हम करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनर्स चेंज होंगे, पार्टनरशिप अग्रीमेंट चेंज होगा, बट बिजनेस विल कंटिन्यू। इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ए बी सी वर पार्टनर्स, सी रिटायर्स। अब कोई जा रहा है, एडमिशन में क्या था, कोई आ रहा था। तो पहला क्वेश्चन अपने आप से हमें क्या पूछना चाहिए, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एक ही बात है, तो ध्यान से देखेंगे क्या होगा आपके हिसाब से। सबसे पहले कशिका, सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडमिशन में भी यही होता था, बट फर्क क्या है, एडमिशन में एक नया पार्टनर आ रहा है, कॉमन सेंस। एडमिशन में एक नया पार्टनर आ रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो सब मिलके या उनमें से कोई सैक्रिफाइस करेगा कुछ। रिटायरमेंट में पार्टनर जा रहा है, जब कोई जा रहा है तो वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, कह रहे भाइयों मैं जा रहा हूं, मेरे को और काम नहीं करना, आगे से आप आपस में बांट लेना, मुझे जो पैसे बनते हैं मेरे पैसे दे के क्लियर करो। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो बच गए पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, वो गेन कर रहे हैं। तो स्टेप वन, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्टेप टू, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टेप टू, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल हमेशा क्या रहेगी, कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो, चेंज इन पीएसआर हो, गुडविल विल ऑलवेज बी द कॉम्पेंसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल क्या होती है, गुडविल इट इज द कॉम्पेंसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर, गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट कर रहा है किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। फर्क क्या होगा, ये आइडेंटिफाई करना कि जो कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है, देखना है कि गेन कौन कर रहा है, उसका शेयर मिल किसको रहा है। मैं, रमा और अमिताशा पार्टनर्स थे 1:1:1 में, अमिताशा रिटायर हो गई, कह रही मुझे नहीं करना तुम लोगों के साथ काम, तो अब दो लोग ही रह गए, तो अब अमिताशा का शेयर हम दोनों टेक ओवर करेंगे, तो हम हो गए गेनिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में करेंगे, उस हिसाब से हम कॉम्पेंसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। तो स्टेप वन, कैलकुलेशन ऑफ गुड रेशियोज। स्टेप टू, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टेप थ्री, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एग्जैक्टली सेम एज एडमिशन, और फॉर दैट मैटर चेंज इन पीएसआर। जैसे आप रिवैल्यूएशन करते थे वैसे ही करोगे। नॉमिनल अकाउंट है, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। क्रेडिट साइड पे आते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट्स। जो लॉसेस हैं वो डेबिट साइड पे आते हैं। जो भी प्रॉफिट या लॉस आया वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स बेयर करेंगे।
तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एग्जैक्टली सेम, तो एडवांटेज है आपकी, आपके एडवांटेज है, ताजा ताजा है, काम आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एग्जैक्टली सेम एज एडमिशन, एग्जैक्टली सेम एज एडमिशन। तो मैं मानना नहीं चाहूंगा कि किसी को ये दो चीजें नहीं आती। आई होप कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स आप सबको बहुत ही अच्छे से आती है, वो दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम होंगी। लास्ट चीज होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लास्ट चीज होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ भी कह लो इसको। हमारे कोर्स में इस साल के लिए ड्यू टू COVID-19 और क्या पता अब ओमिक्रॉन आ जाए, जो भी है हमारे कोर्स में ये नहीं है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बेटा काम की बात अगर हम करें तो हमारे लिए रिटायरमेंट में नया क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो समझदार को इशारा ही काफी, आप बहुत इजीली इस चैप्टर को क्लोज कर सकते। पुरानी गलतियों को जरूर दिमाग में रखना, उनको कहीं लिखना, व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर इन टर्म वन, उसको कहीं लिख लेना अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए। टर्म टू में वो गलतियां रिपीट ना करना, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो एक ही बारी बहुत अच्छे से करना। हम इस बारी बहुत अच्छे एडवांटेज पे थे कि हम बहुत पहले, 1.5 महीने पहले हम कोर्स खत्म करके बैठे थे, तब जाके भी लास्ट मोमेंट पे कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। तो इट इज प्योर लैक ऑफ प्लानिंग, प्योर लैक ऑफ प्लानिंग, क्योंकि टाइम तो आपके पास बतेरा था, 7 months थे 50% सिलेबस खत्म करने के लिए। नाउ यू हैव 2 months टू डू द रिमेनिंग 50%, हाफ ऑफ डिसंबर गॉन, तो आपके पास टेक्निकली जनवरी और फरवरी है, फरवरी छोटा सा ही होता है। मैं कह रहा हूँ चलो 2.5 months है, लेकिन कहाँ 7 months फॉर 50% सिलेबस, कहाँ 2.5 months फॉर द रिमेनिंग 50%, जिसमें क्रिसमस भी आएगा, न्यू ईयर्स भी आएगा, लोहड़ी भी आएगी, वैलेंटाइंस डे भी आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। सो जस्ट बी केयरफुल, प्लान, एक ही सॉल्यूशन है, प्लान, प्लान प्रॉपरली, चलते चलते रुको मत। जैसे होता ना कि अभी तो हमने बोर्ड्स दिए तो क्या हो गया, आप अपना ही काम कर रहे हो, अपना ही बर्डन आगे के लिए कम कर रहे हो, अभी से थोड़ा, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि चलो आज 6 घंटे पढ़ लेते हैं, नो, आराम से करते हैं, लेकिन टारगेट बेस्ड कि आज मेरे को रेशियो कैलकुलेशन खत्म करना है, हो सके तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे भी आना है। और दो ही नई चीजें थी, सोचो अगर बाई चांस हम वो दोनों कर लेते हैं तो हमारा रिटायरमेंट काफी हद तक हो जाएगा। क्वेश्चंस चलेंगे, बट प्लीज रुकना नहीं, ब्रेक नहीं, ब्रेक थी 1 दिन की 2 दिन की, मैंने आपसे ज्यादा मेहनत करी है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप नहीं थे तो भी मैं यहाँ था, मैं तो 6 महीने से डेली ये मेहनत कर रहा हूँ, तो एंड में मैं नहीं थका ज्यादा, क्यों, क्योंकि मैं तो वैसे ही कर रहा था। तो अभी एकदम से आपका रीसेट, फ्रेश स्टार्ट, भूल जाओ जो मेहनत थी, बड़ा अच्छा किया, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, बट अभी फिर से जीरो से शुरू करना है। तो प्लीज रिचार्ज योर बैटरीज, कोई बहानेबाजी नहीं की सर अभी तो हम थके हुए हैं, कोई बात नहीं बेटा, भूल जाओ, डिलीट कर दो कि टर्म वन आया था, अभी इमीडिएटली पूरा 100% देना स्टार्ट करना है।